यूनाइटेड नेशंस में अंबेडकर जयंती की धूम। यूनाइटेड नेशंस में गूंजा जय भीम। संयुक्त राष्ट्र में अंबेडकरवादियों का जलवा। ये तस्वीरें सबूत हैं कि कैसे सारी दुनिया विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को सलाम कर रही है। यूनाइटेड नेशन से आई ये तस्वीरें हर अंबेडकरवादी को गर्व से भर देने वाली हैं। संयुक्त राष्ट्र में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट मिशन और ह्यूमन होराइजन की ओर से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल जस्टिस विषय पर कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए हो सकता है। भारत सरकार की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, टेक्नोलॉजी पर यूएन सेक्रेटरी जनरल अमनदीप सिंह गिल, ह्यूमन होराइजन के प्रेसिडेंट दिलीप मस्के, भारत के जाने माने स्कॉलर प्रोफेसर दिलीप मंडल समेत देश विदेश के कई नामी गिरामी चेहरे भी शामिल हुए। भारत की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बाबा साहेब के अतुल्य योगदान की चर्चा की। Deeply privileged to welcome you to this special event being organized on the occasion of the 132nd birth anniversary of Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar, eminent jurist, India's first law minister, father of the Constitution of India, the strongest crusader of social justice and equity, and so much more. In this, the Permanent Mission of India is very pleased to partner with the Foundation for Human Horizon, a prominent NGO engaged in furthering the Sustainable Development Goals. Our warm thanks to the Foundation. Dr. Ambedkar had stressed, and I quote, "We are Indians, firstly and lastly," emphasizing that all Indians, regardless of their caste, religion, or social status, should be treated equally and enjoy equal rights and opportunities. प्रोफेसर दिलीप मंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक वंचित वर्गों की पहुंच पर अपनी चिंता जाहिर की। As user, I can see that happening. But if it is not reaching to large population, if everything is not for everyone, if every technology is not for everyone, then I think it's going to be a problematic. So the date that AI is here, but it should be for all. Otherwise, it will cause so many problems. कार्यक्रम में शामिल सुदामिली गंगा ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करके उनके जैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। What I like about Ambedkar is that in 1932 itself he got the affirmative actions, you know. Actually, I was a slum boy, I can tell you that. I used to be, you know, two of my best friends, one got killed, you know, another got, you know, drunk and dead, you know. So I'm here. And that's because of the reservation. So what I feel is this is a master stroke what Dr. Ambedkar did, you know, kind of affirmative action, which we don't even find in the developed countries. So I just want to make that statement. Thank you so much. इससे पहले न्यूयॉर्क की सड़कों से यूएन हेडक्वार्टर तक समानता मार्च भी निकाला गया। बड़ी संख्या में अंबेडकरवादियों ने इस समानता मार्च में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजक दिलीप मस्के ने जय भीम का नारा लगाया। Welcome to all Ambedkarites to the New York City for 132nd birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Here we are walking towards to United Nations addressing the AI for Social Justice call. We are welcoming you.
जय 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 भीम जय भीम जय भीम। संयुक्त राष्ट्र में बाबा साहब की जयंती के सफल कार्यक्रम के लिए यूएन में भारत के परमानेंट मिशन और ह्यूमन होराइजन नाम के एनजीओ के प्रेसिडेंट दिलीप मस्के को बधाई दी जानी चाहिए। हमारी एक पिछले रिपोर्ट में हमने गलती से ये कह दिया था कि दिलीप मस्के दलित नहीं हैं, जबकि वो दलित बैकग्राउंड से ही ताल्लुक रखते हैं। उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, इसे मानवीय भूल माना जाए। दिलीप मस्के अमेरिका में अम्बेडकरवाद की एक मजबूत आवाज है और हम उनके काम की सराहना करते हैं। यूएन में बाबा साहिब की जयंती समारोह से पूरी दुनिया में एंटी कास्ट मूवमेंट को ताकत मिलेगी। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।